एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स आर डे टू ऑफ अनप्लान जर्नी। अभी हम लोग अलीगढ़ से निकल के जीटी रोड पे हैं और गाजियाबाद जा रहे हैं। सेकेंड डे कह रहे हैं कि चलो अब तुम्हें गाजियाबाद लेके चलते हैं, मुझे कुछ काम है वहाँ, तो अब हम लोग गाजियाबाद जा रहे हैं एंड लेट्स सी वहाँ के बाद क्या प्लान होता है। प्लान इनके पास है, इतना तो मुझे आइडिया हो गया कि बहुत ज़्यादा लंबा वाला नहीं है कोई टूर, बट छोटे 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 काफ़ी हैं। जा रहे हैं, अब हम लोग इस वक्त बस में बैठ गए हैं, 9:30 हो रहा है। अब इंशाल्लाह कल हम लोग पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे डलहौजी लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। थैंक यू। अभी वीडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत डिम लाइट है, ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो बहुत ही कम लाइट है, इसलिए आप लोगों को वीडियोज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो इंशाल्लाह जब कल पहुँचेंगे तब हम लोग आप लोग को क्लियर अपना फेस दिखाएंगे कि हाउ मच आई एम एक्साइटेड। हेलो, एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं डलहौजी। 13.5 घंटे का रास्ता था, बट वो बीच में रुकते रुकाते वो ऑलमोस्ट 15 घंटे का रास्ता हो गया, तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे। तो अब यहाँ आए हैं, यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। हल्की सी धूप है यहाँ पे, बट टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो लोग लखनऊ, दिल्ली, गाज़ियाबाद, कानपुर इस एरिया में रहते हैं, आप ये समझ लीजिए उससे जस्ट हाफ टेम्परेचर यहाँ पे। हल्की सी धूप है बट जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। इस वक्त हवा बहुत ठंडी चल रही है, और अभी यहाँ पे पता क्या है, तो ये लोग कह रहे थे कि 15-16 रात में टेम्परेचर हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लोकेशन बहुत प्यारी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी लोकेशन। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे 2-3 दिन और रुक जाएँ, बट अभी देखिए एज़ यूजल मैंने आपसे कहा हुआ है कि मुझे कुछ भी प्लान पता नहीं है कि ये कब क्या करवाने वाले मेरे हस्बैंड, और आगे के ब्लॉग्स में आपको बताती रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके देन, बाय। सो 16 आवर्स की जर्नी के बाद काफ़ी थक गए थे और थोड़ा सा रेस्ट किया। अब शाम का वक्त है, हम लोग थोड़ा सा मार्केट घूमने जा रहे हैं। शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 6:30 हो गया है, थक गए थे बहुत ज़्यादा, हम लोग सो गए थे। पहले इन्होंने ब्लॉग बनाया तब तक मैं रेडी हो रही थी, अब मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मू निकल रहे घूमने के लिए। ये इसका टेरेस है जो उन्होंने होटल लिया है, जा रहे हैं घूमने और मैं वहाँ से आप लोग को बताती रहूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करेंगे। ओके, तो इस वक्त हम लोग हैं डलहौजी की मॉल रोड से 2.5 किलोमीटर आगे छोटी सी मार्केट पड़ती है पंचकूला। पंचकूला मार्केट बहुत छोटी सी प्यारी सी मार्केट है, यू कैन टेक अ व्यू। आ गए मार्केट में, भूख बहुत तेज लग रही थी आने के बाद, ज़्यादा हम लोगों ने लंच नहीं किया था, थके हुए थे तो सो गए थे। अब हम लोग आए हैं मार्केट में, बहुत भूख लग रही थी तो हमने शॉप से ऑर्डर किया है। गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। रैन इज यूजल मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े हुए, हम लोग अब घूमने निकले हैं। थोड़ी फ्रेश हवा की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है और लोकेशन बहुत अच्छी है, सुकून है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। कभी कुछ खा लेते हैं। थैंक यू भैया। स्नैक्स है वो करके फिर हम लोग जा रहे हैं घूमने, और एज यूजुअल उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटोज़ ले ली हैं क्योंकि मार्केट हो और मैं शॉपिंग ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ी सी शॉपिंग करी हुई है। इनके पैसे ज़्यादा नहीं खर्ची है, अभी बहुत करने हैं। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, अब मैं इनको सरप्राइज़ दूंगी, इनके सारे पैसे खर्च करके इनको अगली बार से आइडिया हो जाएगा कि इसको सरप्राइज़ नहीं देना है।
तो सरप्राइज इनके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो अभी थोड़े से पैसे खर्च किए हैं, अभी भूख लग रही है, जा रही हूँ खाने। लोग आ गए हैं वापस क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम पे काफ़ी सन्नाटा हो गया, जैसे आप अभी सुन सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, अंधेरा भी हो गया था काफ़ी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा जंगल है, घर चलते हैं, होटल चलते हैं अपने रूम पे। तो हम लोग आ गए वापस। यहाँ पे लोकेशन वाकई बहुत अच्छी लग रही है, लाइटनिंग है, सब है। मैं भी आपको सारी वीडियोस उसमें दिखाऊंगी कि कैसी लोकेशन है। ये हम लोग टेरेस पे आए हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी चल रही थी, टेम्परेचर अभी भी बहुत कम हो गया, 20 के आसपास हो गया टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा है, मज़ा बहुत आ रहा था, इन्जॉय कर रहे हैं। तो अब बस रात हो गई है, अभी थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, फिर मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 6 to 7 मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। और इन्होंने अगेन कुछ डिसाइड किया है तो देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।